बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पंक्चुएशन, रमूज़े औकाफ, मार्क्स और स्टॉप्स विच डिवाइड अ लॉन्ग सेंटेंस और अ पैसेज इनटू स्मॉल पार्ट्स टू अनेबल द रीडर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग प्रॉपरली आर कॉल्ड पंक्चुएशन मार्क्स। ऐसी अलामत या वक्फ के इशारे जो किसी जुमले या इबारत को छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं ताकि पढ़ने वाला इनका मतलब सही तौर पर समझ सके, अलामत वक्फ या रमूज़े औकाफ कहलाते हैं। पंक्चुएशन डिवाइड्स वन सेंटेंस फ्रॉम अनदर सेंटेंस और वन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस फ्रॉम अनदर पार्ट by means of points, stops or marks. रमूज़े औकाफ निशानात, रमूज़े औकाफ निशानात औकाफ या अलामात के जरिए एक जुमले को दूसरे जुमले से या किसी जुमले के एक हिस्से को दूसरे हिस्सा से जुदा करते हैं। औकाफ के बड़े बड़े निशानात दर्ज ज़ैल हैं। कैपिटल लेटर्स, बड़े हरूफ ए बी, फुल स्टॉप ये अलामत है, मुकम्मल वक्फा या खत्मा, क्वेश्चन मार्क अलामत, सवालिया निशान, एक्सक्लेमेशन मार्क अलामत, इस्तजाबिया अलामत, कॉमा अलामत, मुख्तसर तरीन वक्फा या सकता, कॉलन अलामत, दरमियाना वक्फा या राबता, पेरेंथेसिस अलामत, कौसैन, एपोस्ट्रॉफी अलामत, एपोस्ट्रॉफी, इन्वर्टेड कॉमास अलामत, वावैन। द यूज ऑफ कैपिटल लेटर, बड़े हरफ का इस्तेमाल। नंबर एक, हर जुमले का पहला हरफ बड़ा लिखा जाता है, जैसे आई लव पाकिस्तान, यहां पे आई कैपिटल, आगाज जुमले का कैपिटल लेटर से। ही इज माई फर्स्ट फ्रेंड, ही एच कैपिटल, जुमले का आगाज जो है वो कैपिटल लेटर से। नंबर टू, किसी खास शख्स, जगह या चीज के नाम, यानी हर इसमें मारफा प्रॉपर नाउन का पहला हरफ बड़ा लिखते हैं, जैसे माई नेम इज अल्ताफ, ए कैपिटल, नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल। आई लिव इन फैसलाबाद, फैसलाबाद का फर्स्ट लेटर कैपिटल एफ। नंबर थ्री, खतूत में आदाब और इख्तितामिया अल्फाज के शुरू के हरूफ भी बड़े लिखे जाते हैं, जैसे डियर फादर, डियर मैडम, डियर का डी कैपिटल और फादर का एफ कैपिटल, डियर मैडम में डियर का डी कैपिटल और मैडम का एम कैपिटल, योर्स फेथफुली, योर्स वाई कैपिटल। नंबर फोर, किताबों, अखबारों और रसालों के नाम के शुरू के हरूफ बड़े लिखे जाते हैं, द होली कुरान, होली का एच कैपिटल, कुरान का क्यू कैपिटल। द डेली एक्सप्रेस, एक्सप्रेस अखबार का नाम है लिहाजा ई कैपिटल। नंबर फाइव, किसी मुल्क, शहर, पहाड़, दरिया या समंदर वगैरह के नाम का पहला हरफ बड़ा लिखते हैं, जैसे पाकिस्तान फी कैपिटल, सऊदी अरेबिया एस कैपिटल, ए कैपिटल, लाहौर फैसलाबाद फर्स्ट लेटर्स कैपिटल, लाहौर का एल कैपिटल, फैसलाबाद का एफ कैपिटल, के टू के कैपिटल, द रावी, द इंडस, रावी का आर कैपिटल, इंडस का आई कैपिटल, द अरेबियन सी, तो ए कैपिटल एस कैपिटल। नंबर सिक्स,
सड़कों, गलियों और चौराहों के नाम का पहला हर्फ भी बड़ा लिखते हैं, जैसे फिरोज रोड, एफ कैपिटल, आर कैपिटल, इकबाल स्ट्रीट, आई कैपिटल, इकबाल का और स्ट्रीट का भी एस कैपिटल होगा, यहाँ पे एस कैपिटल करेंगे इकबाल स्ट्रीट, क्योंकि ये नाम के तौर पे पूरा होगा, लिहाजा एस बी कैपिटल करेंगे यहाँ पे इकबाल स्ट्रीट। जीपीओ चौक, तो जीपीओ कैपिटल लेटर्स और चौक का बी सी कैपिटल। नंबर सेवन, पोएट्री की हर सतर का पहला हर्फ बड़ा लिखा जाता है, जैसे लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, मेक द माइटी ओशंस एंड द ब्यूटियस लैंड। तो यहाँ पे आप देखें हर लाइन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, लिटिल लिटिल मेक एंड। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय कैपिटलाइजिंग वेयर नेसेसरी। दर्ज ज़ैल जुमलों में जहां जरूरी हो बड़े हरूफ इस्तेमाल करें। आई लिव इन फैसलाबाद, अयूब इज माई बेस्ट फ्रेंड, अलामा इकबाल इज आवर नेशनल पोएट, इट इज सैटरडे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसकी प्रैक्टिस खुद करें। द यूज ऑफ फुल स्टॉप, फुल स्टॉप का इस्तेमाल। वी प्लेस फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ एन असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंस। हम हर बयानिया या मनफी जुमले के आखिर पर फुल स्टॉप लगाते हैं, जैसे आई रिस्पेक्ट माई एल्डर्स, फुल स्टॉप का इस्तेमाल एंड पे। डू नॉट मेक अ नॉइज, फुल स्टॉप का इस्तेमाल। फर्स्ट सेंटेंस जो है बयानिया जुमला है, असर्टिव सेंटेंस, और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस है, दोनों के एंड पे फुल स्टॉप का इस्तेमाल। नंबर वन, मुख्तसर नामों और अल्फाज के साथ फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं, जैसे एम ए फुल स्टॉप का इस्तेमाल, मास्टर ऑफ आर्ट्स एम ए जिना, मोहम्मद अली जिना। तो यहाँ पे एम ए, एम के बाद फुल स्टॉप, ए के बाद फुल स्टॉप, और जिना जो है ये पूरा नाम है, नाम के बाद में जिना का इस्तेमाल किया गया, लिहाजा जे कैपिटल। नंबर टू, किसी करंसी के मुख्तसर नाम या दर्जा इशारिया में कोई रकम लिखते वक्त फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं, जैसे रुपीज, फुल स्टॉप का इस्तेमाल रुपीज के बाद भी, और 763 के बाद फुल स्टॉप का इस्तेमाल, और 75 डॉलर्स, 350 के बाद फुल स्टॉप का इस्तेमाल, और 00। नंबर थ्री, घंटों और मिनटों को अलहदा करने के लिए, ये जरा गलत लिखा गया है, अलहदा करने के लिए भी फुल स्टॉप लगाते हैं, जैसे आई गेट अप डेली एट 4:30 AM, 4 के बाद फुल स्टॉप का इस्तेमाल, AM में भी ए फुल स्टॉप, एम और फुल स्टॉप साथ ही सेंटेंस की एंडिंग। द यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क, सवालिया अलामत का इस्तेमाल, क्वेश्चन मार्क ये अलामत है। वी प्लेस मार्क ऑफ इंटरोगेशन एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन, सवालिया जुमले के आखिर पर हम सवालिया अलामत लगाते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल सवालिया जुमले के एंड पे। द यूज ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क, फजाइया अलामत का इस्तेमाल। ये अलामत, नंबर वन, ये अलामत खुशी, खौफ, हैरत, अफसोस या दरख्वास्त के इजहार के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे हुर्रा आई हैव पास्ड द एग्जाम, यहां पे खुशी का इजहार किया गया है, लिहाजा हुर्रा के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क और एक्सक्लेमेशन के बाद फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लिखेंगे आई। व्हाट अ लवली सीन इट इज, यहां पे हैरत का इजहार किया गया है, लिहाजा एंड पे एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल करेंगे, ये सवालिया सेंटेंस नहीं है, सवालिया फिक्रा नहीं है, तो लिहाजा हैरत का इजहार है, एंड पे एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल करेंगे। अलास ही इज रूंट, अलास अफसोस का इजहार है, अलास के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करेंगे और एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद कैपिटल लेटर से सेंटेंस का आगाज करेंगे। मे आई कम इन, कॉमा लगाने के बाद सर, मे आई कम इन सर,
एंड पे दरख्वास्त की गई है, लिहाजा एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। एक्टिविटी, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर्स, क्वेश्चन मार्क्स एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। दर्जेल जुमले फुल स्टॉप बड़े हरूफ सवालिया और इस्तेजाबिया अलामतें लगाकर दुरुस्त करें। नंबर वन, यू आर सो काइंड। नंबर टू, व्हाट अ लवली बेबी इट इज। नंबर थ्री, मे आई गो आउट सर। नंबर फोर, अली इज माय यंगर ब्रदर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी जो है, एक्सरसाइज जो है, ये आप खुद हल करेंगे। द यूज ऑफ कॉमा, कॉमा का इस्तेमाल जुमले में मुख्तसर तरीन वक्फे को जाहिर करने के लिए कॉमा इस्तेमाल करते हैं। नंबर एक, नंबर वन, किसी को मुखातब करते वक्त उसके नाम के बाद कॉमा इस्तेमाल करते हैं, जैसे डियर स्टूडेंट्स कॉमा कीप साइलेंस, हामिद कॉमा स्टैंड अप। नंबर टू, यस या नो के बाद कॉमा लगाते हैं, जैसे नंबर वन यस आई एम प्रेजेंट, यस के बाद कॉमा, नो आई विल नॉट कम टुमारो, तो नो के बाद कॉमे का इस्तेमाल। नंबर थ्री, फिक्रे में मुख्तलिफ अल्फाज को अलहदा करने के लिए कॉमा लगाते हैं, यू कॉमा ही एंड आई ऑलवेज हेल्प द पुअर। नंबर फोर, महीने की तारीख और साल को कॉमा से जुदा करते हैं, जैसे नवंबर 29 कॉमा 2009। नंबर फाइव, खतूत लेटर्स और दरख्वास्तों एप्लीकेशंस वगैरह में बाज अल्फाज के बाद कॉमा लगाते हैं, जैसे योर्स फेथफुली कॉमा। एक्टिविटी, नाउ री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर्स कॉमास एंड फुल स्टॉप्स। बड़े हरूफ कॉमास और फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हुए दर्ज ज़ैल जुमले दोबारा तहरीर करें। अ डॉव एंड अ बी लिव्ड इन अ ट्री एट द बैंक ऑफ अ रिवर, दे वर गुड फ्रेंड्स। One day the dove saw the bee slipping into the water. The dove took a leaf and dropped it near the bee. The bee got on the leaf and was saved from drowning. A few days later, the bee saw a hunter trying to shoot the dove with his gun. The bee stung on the hand of the hunter. The hunter missed his aim. The dove heard a shot and flew away. Dear friends, आप इस एक्टिविटी को खुद हल करेंगे। The use of colon, colon का इस्तेमाल, colon semicolon, semicolon से ये अलामत है semicolon की और ये colon की। Semicolon से ज्यादा लेकिन full stop से कम वक्फा को जाहिर करने के लिए कॉलन इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल की दर्ज ज़ैल सूरतें हैं। नंबर वन, मुकालमे में किसी किरदार का जिक्र करते वक्त, टीचर असलम व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, असलम सर आई वाज इल सो आई कुड नॉट कम टू स्कूल। नंबर टू, घंटों को मिनटों से अलैदा, ये उर्दू में फिर गलत लिखा गया है, अलहदा करने के लिए कॉलन लगाया जाता है, जैसे इट इज 2:09 नाउ। तो यहां पे आप देखते हैं टू के बाद कॉलन का इस्तेमाल सेपरेट करने के लिए। एक्टिविटी, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नंबर वन, आई एम वेरी बिजी टुडे। नंबर टू, आई एम फाइन टुडे। नंबर थ्री, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। नंबर फोर, यू ही एंड आई आर हार्ड वर्किंग। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी को आप खुद हल करेंगे।
द यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल, अलामत अजाफी भी इसको कहा जाता है। नंबर वन, वी यूज एपोस्ट्रॉफी टू डिनोट द पोजेसिव केस ऑफ नाउंस एस, हम अशिया की मलकियती हालत जाहिर करने के लिए एपोस्ट्रॉफी इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि दिस इज असलम्स पेन, असलम्स, असलम का। नंबर टू, इट इज यूज टू ओमिट अ लेटर और लेटर्स एज, ये हरफ या हरूफ को हजफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसा कि डोंट, शॉर्ट, शॉर्ट ये वर्ड्स हैं, कॉन्ट्रेक्शन की गई है, शॉर्ट फॉर्म है, और फुल फॉर्म बन जाती है डू नॉट, शॉर्ट फॉर्म आईव, फुल फॉर्म आई हैव। इट इज यूज टू फॉर्म द प्लूरल्स ऑफ लेटर्स एंड फिगर्स एज, ये हरूफ और हिंसों की जमा बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसा कि एड थ्री फाइव्स टू सिक्स नाइन्स, पांच के तीन हिंसों को नौ के छह हिंसों में जमा करें। द यूज ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, वावेन का इस्तेमाल, ये अलामत है वावेन की, इन्वर्टेड कॉमास की, डबल, ये इन्वर्टेड कॉमास डियर स्टूडेंट्स सिंगल भी होते हैं और डबल भी। द इन्वर्टेड कॉमास आर यूज टू एनक्लोज द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर ऑफ अ कोटेशन एस, वावेन किसी बात करने वाले फर्द के असल अल्फाज की निशानदही के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसा कि डू नॉट किल विमेन एंड चिल्ड्रन एंड आल्सो स्पेयर द ओल्ड एंड द एज्ड वाज द ऑर्डर ऑफ द होली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। तो यहां पे आप देखें, यानी उन अल्फाज को, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को, कहे गए अल्फाज को कोटेशन मार्क्स के अंदर बंद किया गया है, लिहाजा आगाज से कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल है, उसके बाद जब बात कंप्लीट हो गई तो उसके बाद फुल स्टॉप के बाद कोटेशन, क्लोजिंग कोटेशन मार्क्स लगाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही पंक्चुएशन, रमूज़े औकाफ खत्म होते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।